एक माँ बेटी जो है इस समय हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि इनके भाई द्वारा जो है इनके साथ पहले मारपीट की गई, हॉस्पिटल में आए हुए थे तो उसके बाद इनका पर्स खो जाता है जिसमें सोने का काफी ज्यादा सामान था। भाई ने पहले जो है माँ बेटी पे दोनों पर जो है आरोप भी लगाए कि इनका जो है बैंक वाले के साथ कुछ गलत संबंध है, नाजायज संबंध है, इनके साथ मारपीट की जाती है। और इलाज कराने के लिए जब ये माँ बेटी अस्पताल पहुंची तो इन लोगों का पर्स गुम हो गया, उसके अंदर भी काफ़ी सारा सोने का सामान भी था। इन्होंने कहा कि हम डर के मारे जो है वो पर्स अपने साथ लेकर चल रही थी। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें। दरअसल बात ये है कि इनके फ़ोन में से जो है कुछ पैसे जो है वो किसी बैंक वाले ने ट्रांसफ़र कर लिए थे, जिसके चलते इनके भाई ने जो है इनके ताऊ के बेटे ने और बहन ने आरोप लगाया कि तुम दोनों के जो है उसके बैंक वाले के साथ नाजायज़ संबंध हैं, इसीलिए जो है तुमने उसको पैसे दिए। हालांकि पैसे तो वापस आ गए लेकिन इनके साथ जो है इनके भाई द्वारा दोनों माँ बेटी के साथ मारपीट की गई। आपके भाई ने क्या कहा था? ये मेरे भाई को मार पिटाई करी है घर पे आके, तो आपने पैसे कहते हैं कटवा के दिए खाते में से, ठीक है। तो आरोप क्या लगाया आप पे कि संबंध? आरोप दी मैं अपना टाइप ही थी गलत हो आप गाँव के लड़के के शुभम के। तो क्या माँ बेटी दोनों पे दोनों को ये बोला कि गलत हो बैंक? हाँ गलत हो, मैं मतलब बोले मैं चाय पी रही थी जी, तल ले आन के नहीं बोले बहन चौधरी गुंडी तेने पैसे क्यों निकाले, दरखास्त क्यों नहीं दी, फिर मेरे जी लठ लगाए हैं। मैं बोली ऐसे क्यों मारो, सर से मार दो मर जाऊंगी मैं, अतीब नहीं कहते हैं अभी बाहर निकलोगे गली में अथारी शनि से काटा गए। हम कौन कहता है? जेठ के ताऊ के लड़के भाई कहते हैं भी है। तुमको मार के काटेंगे हम, दम की मारते हैं मारेंगे तुम्हें। कहाँ के रहने वाले आंटी? दक्षिणा गांव। दक्षिणा के? हाँ। तो यहाँ पर अब अस्पताल में चोरी हुआ आपका पर्स? हाँ चोरी, लिपट में जी ऊपर चढ़ा थे दूसरी लिपट में। क्या कुछ था उसमें? उसमें पर्स में जी पैसे भी टूम भी है, पाया की पजेब है, दोती की बाली है, मेरी लड़की की है, एक बाली मेरी है, और जी पैसे हैं, फोन है जी 10,000 एक दंगा। तो भाई ने ऐसे आरोप क्यों लगाया? उसे विश्वास नहीं था अपनी मतलब चाची पर भी या बहन पर? नहीं विश्वास नहीं है जी, पापा गुजर गए थे 8 माह भी ना लगा जी, ये मार पिटाई उनको अच्छा नहीं करया जी। नाना का पिता था, इसके नाना के भी लठ लगाए पहलो। अच्छा, उनको उनके साथ उसकी भी मार साथ कर रखी है जी, उन्हें पूछ लो। तो आप देख सकते हैं ये क्या आपके पिता हैं? मेरा पिता है यू। तो आप देख सकते हैं इनके साथ भी जो है मारपीट की गई है। ये आपको चोट कैसे लगी? मेरी सुन ले बात, एक मैं हाथ जोड़ कर कहूँगा जो काम ने क्या दिया मैंने अपनी फूसी जाए। आप बता दो। बोल दे तू। मैं इसका नाना हूँ। अच्छा, आपका पर्स कैसे चोरी हुआ? पर्स बता कैसे चोरी हुआ, कहाँ चोरी हुआ? बोले कंपला में हुई। कहाँ पे? यू कंपला अस्पताल है। अच्छा, क्या क्या था पर्स में? बेबे देख मैं खाम खाई भगवान का जाना 10 दिन आगे पाछे, मैं झूठ नहीं बोलू, मन नहीं बेवरा उसमें ते के थार के ना था, मन नहीं बेवरा। ये चीज है मेरी, मैंने कोई पता नहीं ये जाना है, मैंने न्यू नहीं बेवरा उसमें के थार के ना था। मैं क्या क्या था आप बता दो जी। उसमें रबड़ का रखा पैसे 10,000 रुपये एक दंगा है, 6,500 रुपये एक दंगा है, 3,500 रुपये एक दंगा है, आधे जी 600 के 50 के न्यारे हैं, आधे जी 3 जोड़ी बाड़िया के हैं, पजेब है, अरे जी चुकटी है, ओम है। तो आप देख सकते हैं माँ बेटी जो है अस्पताल गई थी इलाज करवाने के लिए, वहाँ पर जो है इनका पर्स चोरी हो जाता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, गोल्ड की चीज़ें थी, मोबाइल भी साथ में था। और इससे पहले जो है इनके भाई द्वारा इनके साथ मारपीट की जाती है, गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि तुम बैंक वालों के साथ तुम दोनों माँ बेटी का जो है अफेयर था, इस तरीके का मामला सामने आया। जो भाई है उसके द्वारा मारपीट की गई, उसके बाद जब इलाज कराने अस्पताल गए तो वहाँ पर पर्स चोरी हो गया। आधार कार्ड भी है जी, आधार कार्ड और एक मोबाइल भी जो है उसके अंदर मौजूद है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी वो पर्स मिले तो आप लोग भी जो है कॉन्टैक्ट करके हमें बता सकते हैं। गुम कहाँ हुआ था ये? गुम जी उसमें लिपट में चढ़ा थे, हाँ नीरे बंदे थे, उसमें नीरे लगाई थी। पूछा था वहाँ आस पास जी, सब तब पूछा, नहीं बोले हमने नहीं चोरी तो कही है।
तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल से, किस तरीके से दोनों महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी, जिनके द्वारा जिन पर जो है पहले भाई आरोप लगाता है जब उनके अकाउंट से कुछ पैसे कट जाते हैं, और उसके बाद उनके साथ मारपीट की जाती है, इलाज कराने अस्पताल आती हैं तो वहाँ पर पर्स चोरी हो जाता है। गगसीने की रहने वाली जो है दोनों महिलाएँ बताई जा रही हैं। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी मामला है उसको पुलिस जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें, इन लोगों का सामान भी ज़रूर से ज़रूर मिल जाए जो पर्स इनका गुम हुआ है, और साथ ही साथ इसके इनके भाई ने जो उनके साथ मारपीट की है, आप देख सकते हैं चोटें इनके हाथों पे लगी हुई हैं काफ़ी सारी, जो मारपीट की गई है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ज़रूर हो। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अन्नी रमाटा के साथ टिप टॉप।